बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्जा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समा विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ आप सब खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। बॉलीवुड किंग, बॉलीवुड के शहनशाह शाहरुख खान साहब, उनके लिए एक नई मुश्किल आन खड़ी हुई है। हो सकता है उनको भी NCB के दर्शन करने पड़ जाएं। ये मामला है कि अभी तक तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान NCB ऑफिस जाते थे, वहां जाकर सिग्नेचर करते थे, उनको समन जारी होते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को समन जारी हो रहे हैं और उनको बुलाया जा रहा है। और किस मामले में बुलाया जा रहा है ये मैं आज आपको बताऊंगा, क्यों बुलाया जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इस वीडियो की यह है, शाहरुख खान बॉलीवुड किंग आर्यन खान की वजह से नहीं फंस रहे हैं। अब जो नई मुश्किल, नई परेशानी, नई मुसीबत शाहरुख खान के सर पर आन खड़ी हुई है, वो उनके बेटे आर्यन खान की वजह से नहीं है बल्कि किसी और की वजह से है। अभी कोई और कौन है ये भी बात मैं आपको बताऊंगा, और किसी और की वजह से शाहरुख खान को क्यों बुलाया जा रहा है ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन ये अगर डायरेक्टली ताल्लुक इसका आर्यन खान से नहीं है तो घूम फिर के ये आर्यन खान की तरफ ही जाती है। आगे बढ़ेंगे जनाब। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आर्यन खान को जब से गिरफ्तार किया गया था, NCB वालों की कोशिश थी कि रोजाना की बुनियाद पर अखबार में कोई ना कोई हेडलाइन बनाई जाए, रोजाना की बुनियाद पर व्लॉग्स बनवाए जाएं, रोजाना की बुनियाद पर हेडलाइंस बने, टीवी पर ट्रांसमिशंस हो, क्योंकि NCB बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब ये मामला घूमा और घूमने के बाद ये सारा मामला तवान की तरफ आया तो NCB वालों के पैरों से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा ये तो हमारे ऊपर ही मामला आ रहा है। अब उन्होंने इस सारी तफ्तीश को बहुत धीमा कर दिया है, बहुत स्लो कर दिया है। जितनी फुर्तियां आपको इस सारे केस में तवान के मामले के आने से पहले नजर आ रही थी, अब वो सारी फुर्तियां अब नजर नहीं आ रही हैं। कहाँ है अनन्या पांडे कुछ नहीं पता, चिंकी पांडे से बात करने की बात की जा रही थी, अनन्या पांडे से तफ्तीश करने की बात की जा रही थी, सब गायब हैं, किसी का कुछ पता नहीं है। और जो ये झाग की तरह उठा था अब झाग की तरह वापस बैठ भी गया है। लेकिन इस सारे मामले में NCB और मुंबई पुलिस की कोशिश है कि शाहरुख खान को एंगेज करा जाए, शाहरुख खान को इस मामले से नहीं निकाला जाए। क्योंकि अगर शाहरुख खान निकल गए तो जनाब आर्यन खान को बुलाएं ना बुलाएं, तफ्तीश करें ना करें, हेडलाइंस नहीं बनेंगी, मीडिया स्टोरीज नहीं बनेंगी, और जब मीडिया स्टोरीज नहीं बनेंगी तो ये मामला झाग की तरह फिर से बैठ जाएगा। तो इस वजह से शाहरुख खान को इन्वॉल्व करने की बात रोजाना की बुनियाद पर होती है, और रोजाना की बुनियाद पर शाहरुख खान और आर्यन खान के हवाले से कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जो वाकई में हेडलाइंस बनती है और होशरुबा इंकशाफ होती है। अभी मामला है क्या जनाब, मैंने आपको बताया था कि NCB मुंबई विंग अब इस केस की तफ्तीश नहीं कर रहा है। अब नई दिल्ली से एक टीम आई है जिसका नाम है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और वो इन्वेस्टिगेशन टीम SIT अब इसकी तहकीकात कर रही है कि आर्यन खान के पास से मनुष्यात कितनी बरामद हुई थी, क्या आर्यन खान का वाकई में ताल्लुक नेक्सस उस नेक्सस से है जो कि बैरून मुल्क से भारत में मनुष्यात भेजता, इसकी तहकीकात होंगी। लेकिन साथ साथ दो पैरल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक इन्वेस्टिगेशन यह है कि NCB मुंबई विंग के सरबरा समीर वेंकटे ने क्या तावान लिया था या फिर नहीं लिया था, और उनको तावान किसने दिया था, 50 लाख रुपए टोकन मनी किसने दिया था, कैसे दिया था, और सबसे बड़ी बात वो देने की नौबत क्यों पेश आई थी। इसी मामले को आगे बढ़ाने के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डाडलानी, जिनका नाम, जिनकी गाड़ी, जिनकी प्रेजेंस उस CCTV फुटेज में आई थी, जिसका जिक्र KP गोसावी ने किया, जिसका जिक्र सैम डिसूजा ने किया और जिसका जिक्र प्रभाकर सेल ने भी किया, इन तीनों ने इसका जिक्र किया था। जब उस वहां की CCTV फुटेज निकाली गई तो वाकई में पूजा डाडलानी की ना सिर्फ गाड़ी वहां पर मौजूद थी बल्कि वो खुद की, उनकी प्रेजेंस भी नजर आ रही थी। और उसके बाद एक पैरल इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया गया कि क्या वाकई में उस दिन शाहरुख खान के घर मन्नत से 50 लाख रुपए पूजा डाडलानी लेके निकली थी और उनकी जो मंजिल थी वो KP गोसावी थे, ताकि आर्यन खान को बिना केस, बिना किसी FIR दर्ज हुए, बिना अदालती मामलात के जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उसी तरह से रिहा कर दिया जाए। ये एक मामला है। अब इस मामले की तहकीक के लिए और इस तफ्तीश के लिए, इसमें बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कई बार पूजा डाडलानी से राबता किया गया। एक बार पूजा डाडलानी से राबता गया, पूजा डाडलानी का, ये पूजा डाडलानी वही हैं, वही मैनेजर हैं जब आर्यन खान की बेल के वाले से बात होती थी ना तो ये सबसे ज्यादा मुतहरिक नजर आती थी। यही वो खातून थी जो कि आर्यन और शाहरुख खान की तरफ से कोर्ट में जाती थी और जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी, जो भी मामला होते थे उनको बज़ाहिर खुद देखती थी, विटनेस करती थी, वहां पर मौजूद होती थी। एक दफा नहीं, कई दफा पूजा डाडलानी को NDPS कोर्ट, जो कि इंसदाद मनशियात की कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उसके बाहर देखा गया। जब जब आर्यन की
جو درخواست ضمانت مسترد ہوئی ہے تب یہ وہاں پر موجود تھیں اور ان کے وکلاء موجود تھے. لیکن جب سے معاملہ گھوم کے تاوان کی طرف آیا ہے, پوجا ڈاڈلانی کی امیجز, ان کی گاڑی کے امیجز سی سی ٹی وی فوٹیج میں آئے, تب سے پوجا ڈاڈلانی کی طبیعت خراب ہے. ان کو ایک دفعہ این سی بی آفس کی جانب سے سمن جاری کیا گیا, وہ پیش نہیں ہوئی. انہوں نے عذر بنایا, انہوں نے یہ بہانہ بنایا, بہانہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ, انہوں نے وجہ بتائی کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں. اچھا, پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ سے ان کو نوٹس جاری کیا گیا, دوبارہ سے سمن جاری کیا گیا کہ آپ آئیں اور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی تک وہ طے نہیں کر رہی ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا اس چیز کو ڈینائل پہ ڈالنا ہے. کیونکہ اگر ایکسیپٹ کر لیا تو شاہ رخ خان اور پوجا ڈاڈلانی دونوں کے خلاف ایک بڑا کیس بن سکتا ہے, اور اگر ریجیکٹ کر لیا تو جناب وہ جو ایویڈنسز موجود ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج کے موجود ہیں, بیان حلفی موجود ہیں, گواہ موجود ہیں, ان کو کس طرح سے آپ نگلیکٹ کریں گے. تو یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن دوسری بار بھی جب پوجا ڈاڈلانی پیش نہیں ہوئی تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تیسری بار پوجا ڈاڈلانی, جو کہ ایک ہفتے کے اندر ٹائم دیا گیا ہے, ان کو بلایا گیا ہے, اگر وہ اپنا اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کراتی, اپنا اسٹیٹمنٹ این سی بی کی ایس آئی ٹی یونٹ کو نہیں بتاتی, تو پھر مجبوراً شاہ رخ خان صاحب کو بلایا جائے گا. کیونکہ پوجا ڈاڈلانی از اے فرنٹ مین, مطلب وہ سامنے ہے, جو سامنے کھڑا ہو کے ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی جو کہ پیچھے کھڑا ہو کے سارے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پیچھے تو شاہ رخ خان تھے, ظاہر سی بات ہے پیسہ بھی شاہ رخ خان کا ہی ہوگا, شاہ رخ خان کے پیسے کے بیٹے کو بچانے کے لیے انہوں نے پیسے دیے ہوں گے. تو جناب یہ سب سے بڑی خبر ابھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اگلے ہفتے جو بھی آنے والا ہفتہ ہے وہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاہ رخ خان کو این سی بی آفس کے درشن کرنے پڑ جائیں گے, این سی بی آفس جانا پڑ جائے گا اور شاید اپنا بیان اس حوالے سے ریکارڈ کرنا پڑ جائے گا. کیونکہ پوجا ڈاڈلانی کی تو طبیعت صحیح نہیں ہے, اور اگر پوجا ڈاڈلانی نہیں جائیں گی تو پھر شاہ رخ خان این سی بی آفس جائیں گے. اس خبر پر آپ کی کیا رائے جناب, ضرور آگاہ کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, بیل آئکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.